जय हिंद दोस्तों, आप खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे, उम्मीद है अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो रीजनिंग की दूसरी क्लास, क्लॉक घड़ी की जो दूसरी क्लास है वो आज हम ले रहे हैं। पहली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था घड़ी का जो बेसिक होता है, जो क्लॉक का जो भी बेसिक था वो आपने पढ़ लिया। और आपने पढ़ा था कि डिग्रियां, कोण का कंसेप्ट पढ़ लिया था कि 0 डिग्री कब बढ़ेगा, 90 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, और दो अंकों के बीच में कितना कोण होगा, ये सब आप कल पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम, आज हम हमको जो पढ़ना है वो है कि कितने बजकर कितनी मिनट पर 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री कोण बनेंगे। जैसे कि ये आपकी घड़ी हो जाती है, ये क्या है, ये है आपकी घड़ी, यहां पर 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है, ये हो गई आपकी घड़ी। अब हमको ये देखना है कि मान लीजिए ये 4 बज रहे हैं, ठीक, कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो यह मिनट की सुई कितने पर होगी, 4 बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब मिनट और घंटे की जो सुइयां हैं उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितने बज रहे होंगे। तो आप एक तो इसे पूरे उसके साथ देख सकते हो, प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल करके, जैसे कि मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री, 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री और 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब ये जब जो मिनट की सुई है ये 1 पर आ जाएगी, यानी कि 4 बज के 5 मिनट हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा 2.5 डिग्री आगे निकल जाएगी घंटे वाली सुई, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 92.5 डिग्री। तो थोड़ा सा और आगे लगभग यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे लगाते ही आप यह बता दोगे कि 90 डिग्री का कोण कै बजकर कितनी मिनट पर बनेगा। और यह तो आपको कल पता ही चल गया कि 1 घंटे में 90 डिग्री के कोण 2 बार बनते हैं, तो कब कब बनेंगे ये अब जानिए। तो एक जो फॉर्मूला है वो ध्यान रख लीजिए कि 60/11, इसको याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है 60/11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको करना है कि जो ये नंबर डले हैं घड़ी में, यहां से काउंट करना है 3 से। हम कब देख रहे हैं कि 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 4 और 5 के बीच में जब घंटे की सुई रहेगी तो मिनट की सुई कहां पर होगी जो 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो देखिए यहां 3 से काउंट करिए, हम 4 पर देख रहे हैं ना, 4 है पहले, 4 के लिए 3 4 कितने का डिफरेंस, 1 का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 का, आपकी ये निकले आई मिनट, तो कितनी मिनट निकले आई, तो ये आ गई आपकी 60/11। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 60/11, 4 बजकर 60/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। आगे समझ है ना, सिंपल। अब ये आप कहोगे कि हम तो नहीं मानते, तो प्रूफ कर लीजिए, मैंने आपको कोण निकालने का फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था, 30 h और -11/2
मिनट, यही बताया था। अब इसमें आप पुट करके देख लीजिए, 30 एच कितना आ गया आपका 4 माइनस 11 अपॉन 2, मिनट कितनी है आपकी 60 अपॉन 11। तो सॉल्व करिए, 11 से 11 कट गया, 2 से कट गया 60, 30 टाइम्स ये हो गया आपका 120 और माइनस 30 तो कितना आ गया 90 डिग्री। हो गया ना प्रूफ, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक सेकंड में निकाल भी सकते हो और दूसरी सेकंड में चेक भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपने आप को जांच भी सकते हो कि मैं सही हूं या गलत। अब क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये मिनट हो गई 4:60 / 11 पर हो गया एक, और दूसरा कब बनेगा? दो कोण बनते हैं ना एक घंटे में 90 डिग्री के, तो दूसरा कब बनेगा? तो दूसरे को आप गिनिए 9 से। अब 9 से गिनिए 4 के लिए, देख रहे हैं तो 4 तक 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहां पर आप कर देंगे 60/11 × 7, ये आपकी निकली आई दूसरी मिनट। तो कितनी आ गई 420/11, तो कितने बजकर कितने मिनट पर 90 डिग्री का कोण बना? एक तो हो गया आपका 4:60/11 पर, और दूसरा हो गया आपका 4:420/11 पर। आ गया ना समझ? ये हो गए आपके 90 डिग्री के कोण। अब सीखते हैं 0 डिग्री कब बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से आपको बता रहा हूं, आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो फॉर्मूले से जो हमने कल बता दिया था कि आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। अब आप हम चलेंगे 0 डिग्री पर कि 0 डिग्री कब बनेगा, यानी कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, तो ये देखना है कितने बजकर कितने मिनट पर होंगी, तो ये देखना है। तो एक घड़ी बना लीजिए अच्छी सी, देखिए ये हो गई आपकी घड़ी, तो ये हो गया 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ये हो गई आपकी घड़ी। अब 0 डिग्री का कोण कहां पर बनेगा, देखिए 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री के लिए भी वही फॉर्मूला 60/11, लेकिन मल्टीप्लाई किसका करें, जिसके बीच में पूछ रहा है। मान लीजिए वो पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण कहां पर बनेगा, तो ध्यान रखिए जिसके बीच में पूछ रहा है, ये 3 से आगे तो होगा, तो 3 को लीजिए, 12 से वहीं तक काउंट कर लीजिए, ये हो गया 1 2 3, और सीधा कि जितने के बीच में पूछे उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी हो सकता, या तो 12 से काउंट कर लीजिए या फिर जितने के बीच में पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है ना, तो हम 3 लेंगे क्योंकि 3 के नजदीक है, 3 का नजदीक होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 3 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 180/11, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 3:180/11 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का। अब आप कहोगे हम तो नहीं मानते, प्रूफ करके बताइए, तो लीजिए प्रूफ कर लीजिए। प्रूफ करने का फॉर्मूला 30H - 11/2m, इसमें आपने आपको पुट करना है तो पुट कर दीजिए, तो h कितना है 30 × 3, माइनस करना है 11/2 × 180/11, 11 से 11 गया, 2 से 180 90 बार कटा, 33 90 - 90 आपका आ गया 0 डिग्री। हो गया प्रूफ, ये आपने कल देख ही लिया था कि 0 डिग्री का कोण एक घंटे में एक ही बार बनता है। अब देखते हैं 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री को देख लीजिए। अब 180 को देखते हैं, 180 में क्या है, 180 का कोण कब कब बनेगा, यानी कि घंटे और मिनट की सुई कहां कहां होंगी जब 180 का कोण बनेगा, तो देखिए ये है आपका 180। तो 180 के लिए भी आपको वही फॉर्मूला 60/11, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करें, तो ध्यान रखना, मान लीजिए 3 और 4 के बीच में अगर पूछे तो 3 के नजदीक जो छोटी संख्या है उसको लेंगे, तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर 9, तो जो विपरीत नंबर आएगा उसका कर दीजिए मल्टीप्लाई।
अगर पूछता दो और तीन के बीच तो छोटा कौन, दो, दो के विपरीत कौन, आठ, तो मल्टीप्लाई कर देते आठ का। अगर पूछता पांच, पांच और छह के बीच में छोटा नंबर कौन, पांच, पांच का विपरीत कौन, पांच का विपरीत ग्यारह, तो ऐसे विपरीत नंबर का मल्टीप्लाई करके आपकी मिनट आ जाएंगी। तो कितने पर बनेगा, तीन बजकर 540 अपॉन 11। आप बोलोगे हम नहीं मानते, प्रूफ करके दिखाइए, तो लीजिए प्रूफ कर लीजिए। प्रूफ करने का फॉर्मूला 30H माइनस के 11 अपॉन 2M, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 30 इंटू के 3 माइनस के 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 540 अपॉन 11, 11 से 11 कटा, 2 से ये कटा 270 आर, और ये 3 जा 90 माइनस के 270 कितना आ गया, माइनस के 180, और एंगल कभी माइनस नहीं होता तो हो गया आपका 180। समझ गए आप, ये यहां पर आपकी क्लॉक पूरी हो गई। आगे अब हम कल अगली क्लास में दर्पण और जल में क्लॉक के जो समय है वो क्या दिखता है, सही समय दे रखा है तो वो दर्पण में क्या देखेगा, मिरर में क्या देखेगा, जो सही समय दे रखा है वो जल में क्या देखेगा, ये हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा कल की एक महत्वपूर्ण क्लास में। चलो मिलते हैं कल, उम्मीद है अपनी तैयारी को आप अच्छी तरह कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।